आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में टीडीपी के सांसद जैसी दिवाकर रेड्डी के दामाद और विधान परिषद सदस्य दीपक रेड्डी ने आरोप लगाया कि टीडीपी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि वहां के सरकारी कर्मचारी 5 से 50% रिश्वत ले रहे हैं। बता दें कि भू कब्जा के आरोपों में घिरे दीपक रेड्डी को टीडीपी से निलंबित कर दिया गया था। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है, साथ ही निःशुल्क रियायत को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दीपक रेड्डी ने कहा कि कई सरकारी अधिकारी समस्याओं को सुलझाने के मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। जन्मभूमि समिति पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। आज भी आंध्र प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां पेयजल समस्या है। जिलाधीशों को पूरी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जल्द ही वह एक मंच बनाएंगे जिसमें लोगों की हालातों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे।